हम सबने सुना है कि हम एक बार जन्म लेते हैं और एक बार मरते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। परंतु अगर कोई कहे कि ये सच नहीं है तो क्या आप उस पर विश्वास करोगे? क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा अपनी माँ की कोख से दो बार जन्म ले? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है कुछ दिनों पहले अमेरिका के टेक्सास में। अमेरिका के टेक्सास राज्य के ल्यूसविले शहर में एक मेडिकल करिश्मा हुआ और उस करिश्मे में एक ही बच्चे ने दो बार जन्म लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि कोई इंसान दो बार जन्म कैसे ले सकता है? जब लिनली होप नाम की इस बच्ची को अपनी माँ की कोख में महज 16 सप्ताह का ही समय हुआ था तो रूटीन अल्ट्रासाउंड से इनकी माँ मार्गरेट हॉकिंस को इस बच्ची के पीठ पर एक ट्यूमर का पता लगा, जिसे देखकर वो और उनके डॉक्टर चौंक गए, क्योंकि उस ट्यूमर का साइज भी उतना ही बड़ा था जितना कि उस शिशु के शरीर का, और सभी डॉक्टरों ने उन्हें और उनके पति को इस प्रेगनेंसी के अबॉर्शन की सलाह दी। परंतु उस बच्ची के पेरेंट्स ने हार मानने से इनकार कर दिया और किसी ऐसे डॉक्टर की तलाश जारी रखी जो दुख की इस घड़ी में उन्हें उम्मीद की किरण दिखा सके। और आखिरकार उन्हें वो डॉक्टर मिला टेक्सास चिल्ड्रन सेंटर में, जो सर्जरी करने को तैयार थे और इस बच्ची के माता पिता को उनसे उम्मीद की किरण दिखाई थी। दोस्तों, सैक्रोकॉक्सिजील टेरिटोमा नाम का यह ट्यूमर भ्रूण तक ब्लड सप्लाई नहीं होने दे रहा था, जिससे इस बच्ची में जानलेवा हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता जा रहा था। उसे रोकने के लिए डॉक्टरों पर सर्जरी का दबाव बढ़ता जा रहा था और आखिरकार यह सर्जरी करने के लिए डॉक्टरों को इस बच्ची को माँ की कोख से निकालना पड़ा। जिस वक्त इस बच्ची को माँ की कोख से निकाला गया, उस समय उस बच्ची का वजन महज 1 पाउंड यानी कि 0.53 ग्राम ही था और उस ट्यूमर को बच्ची से अलग करना डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बच्ची की माँ मार्गरेट हॉकिंस ने बताया कि डॉक्टरों ने उस बच्ची के बचने के चांस 50% से भी कम बताए थे, परंतु 23वां सप्ताह आते आते ये ट्यूमर बच्ची तक ब्लड की सप्लाई रोकने लगा था और हमारे पास सोचने के लिए बहुत ही कम समय बचा था। उसकी माँ ने बताया कि यह हमारे लिए एक आसान निर्णय था, क्योंकि या तो हम उस ट्यूमर को हमारी बच्ची की जान लेने देते या फिर उसे जिंदगी देने की एक कठिन कोशिश कर सकते थे, तो हमने यह सर्जरी करवाने का फैसला लिया। दोस्तों, इस सर्जरी को टेक्सास चिल्ड्रंस फेटल सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर डेरिल कैस और उनकी टीम ने अंजाम दिया। डॉक्टर ने बताया कि ये ट्यूमर काफी बड़ा था, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत बड़ा चीरा लगाने की जरूरत थी, जिसकी वजह से यह बच्ची एक बार को हवा में भी लहर गई थी। जब यह ट्यूमर निकाला जा रहा था तो बच्ची का दिल एक बार रुक गया था, परंतु एक हार्ट स्पेशलिस्ट ने उसे जीवित रखा और आखिरकार डॉक्टरों ने ज्यादातर ट्यूमर को निकालने में सफलता पाई और अंत में बच्ची को मां की कोख में रखकर उसे टांके लगा दिए गए। इस बच्ची की मां को अगले 3 महीने बेड रेस्ट पर रहना पड़ा और 6 जून 2017 को इस बच्ची ने दोबारा इस दुनिया में आंखें खोली। परंतु जब यह बच्ची महज 8 दिन की थी तो इसकी पीठ से बचे हुए ट्यूमर को निकालने के लिए एक और सर्जरी करनी पड़ी। दोस्तों, उसकी माँ कहती है कि जब यह बच्ची बहुत छोटी थी तो उसे बैठने में काफी परेशानी होती थी और वो पैर को भी पूरी तरह से नहीं उठा पाती थी, परंतु रूटीन चेकअप और डॉक्टरों की सलाह से वह बहुत तेजी से एक सामान्य बच्चे की तरह फिट हो रही है। अब यह बच्ची बिल्कुल हष्टपुष्ट व स्वस्थ है और अब हर 3 महीने इसे रूटीन चेकअप के लिए लाया जाता है। दोस्तों, सैक्रोकॉक्सिजील टेरोटोमा नाम का यह ट्यूमर एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का ट्यूमर है, जो जन्म लेने वाले लगभग 30 से 70 हजार बच्चों में से किसी एक को ही पाया जाता है और इसका कारण अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं पता है। परंतु यह रोग जन्म लेने वाली बच्चों में लड़कों से 4 गुना अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें